राजगढ़ नगर में लॉकडाउन के तहत व्यावसायिक दुकानें खुलने का समय सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक तय किया गया है, जिसके बाद भी दुकानदारों द्वारा समय का पालन नहीं किया जा रहा है एवं समय सीमा के बाद तक दुकानें संचालित हो रही थी। इस दौरान प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादकों की भी बिक्री की जा रही थी। क्षेत्रीय SDM विजय राय ने कार्रवाई करते हुए राजगढ़ में अरिहंत स्टोर के संदीप जैन के यहाँ से 22 किलो तंबाकू, 220 सिगरेट के पैकेट जिनका मूल्य 26,500 रुपये बताया जा रहा है जब्त किया एवं लक्ष्मीबाई वार्ड से सुरेश राठौर नामक व्यापारी के घर से 220 सिगरेट के पैकेट, राजसी उमल जैसे गुटखा पाउच जब्त किए जिनका बाजारी मूल्य 33,500 रुपये बताया जा रहा है एवं दोनों पर ही धारा 188 के तहत कार्रवाई हेतु पुलिस प्रशासन को भेजा गया। वहीं SDM ने इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है। लॉकडाउन अवधि में जो प्रतिषिद्ध चीज़ें हैं, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी आपने निर्देश देखे होंगे, तो तंबाकू और धूम्रपान संबंधी सभी सेव्य पदार्थों को लॉकडाउन अवधि तक इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसकी सूचना मिलने पर हमने मौके पर जाकर हमारे पटवारियों के माध्यम से पता किया, तो जो यहाँ पे दुकान खोलने की अवधि दी गई थी 9 बजे से 1 बजे तक, उसके पश्चात भी पहली बार तो दुकान खुली हुई पाई गई और वहाँ से व्यापार चल रहा था। यहाँ पे एक अरिहंत स्टोर है तिलक मार्ग पे, संदीप जैन द्वारा जो संचालित होती है, उनके यहाँ 22 किलो तंबाकू और सिगरेट के 220 पैकेट्स जिनकी लागत लगभग अंकित मूल्य जो था 26,500 के आसपास की सामग्री पाई गई। वहीं लक्ष्मीबाई वार्ड में सुरेश राठौर के घर पर यहाँ पे भी व्यापार पाया गया और इनके यहाँ भी सिगरेट के लगभग 220 पैकेट्स और बीड़ी, राजश्री, विमल जैसे अन्य तंबाकू के सेव्य पदार्थ जिसकी लागत जो अंकित मूल्य में थी लगभग 33,500 रुपये की पाई गई, जिनको जब्त किया जाकर प्रकरण थाना प्रभारी राजगढ़ को भेजा गया है 188 के उल्लंघन की कार्रवाई कर। सर, ये मामला सतत जारी है आपके? बिल्कुल, ये मामला जब तक इस प्रकार के कार्यों पर प्रतिबंध नहीं लग जाता है तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, छोटी दुकानों पर भी जो सर पाउच के दाम जो है ज़्यादा लिए जा रहे हैं जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी ये प्रकार की सारी सामग्रियां प्रतिबंधित हैं। ज़्यादा दाम तो दूर की बात है, अगर कोई इसको बेचता भी है तो भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।